जानकी, आज नहीं तो कल उसे याद आ जाएगा कि तुम उसकी गुड़िया हो, तुम उसकी जानकी हो। मुझे इन पे भरोसा है, तुम्हारे प्यार, तुम्हारे विश्वास पे भरोसा है। और मैं जानती हूँ कि हर्ष अपनी गुड़िया को नहीं भूल सकता, नहीं भूल सकता। तुमने उसके लिए जो कुछ भी किया वो ऐसे कैसे भूल जाएगा? उसे सब याद आ जाएगा। बस तुम हिम्मत मत हारना, तुम हार गई तो हर्ष हार जाएगा। तुम हिम्मत मत हारना जानकी, तुम हिम्मत मत हार। शिकार मिस्टर, हर्ष कुछ भूला नहीं, सब कुछ याद है उसे। अरे दिस इज फैंटास्टिक न्यूज़, आज बहुत खुश है हम। डैड, क्या जानकी भाभी? डैड आपने कुछ सोचा उनके बारे में? शिखर हम जानते हैं जानकी ने बहुत कुछ किया है हर्ष के लिए, लेकिन अभी हम हर्ष को उसके बारे में नहीं बता सकते। हम मौका देखते हैं, जब ये मौका सही होगा हम हर्ष को सारी बातें बता देंगे। लेकिन अभी हर्ष ठीक हो चुका है। yes, मैं 5 साल पहले वाला हर्ष वापस मिल गया है, इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है? सो भूल जाओ सब कुछ यार। देखिए, हम समझ सकते हैं आपकी परेशानी को, लेकिन हमारा विश्वास कीजिए, इस घर की बड़ी होने के नाते हम आपसे वादा करते हैं कि हर्ष की जिंदगी में और इस घर में जानकी की जगह कोई नहीं ले पाएगा। लेकिन बस आपको थोड़ा सब्र रखना होगा। डॉक्टर, अपनी वाइफ को भूल गए? जानता हूं, हर्ष को एक बीमारी है जिसको शॉर्ट टर्म एमनेसिया बोलते हैं। इसका मतलब कि हर्ष के पहले एक्सीडेंट और दूसरे एक्सीडेंट के बीच 5 साल का अब उनको कुछ भी याद नहीं है, फिर वो चाहे उनकी शादी हो या उनकी वाइफ। ये क्या कह रहे हैं आप? ऐसा कैसे हो सकता है? हर्ष सब कुछ कैसे भूल सकता है? जानकी को कैसे भूल सकता है? शादी हुई है उसके साथ। मैं समझ सकता हूँ ये एक अजीब कंडीशन है, मगर पिछले 5 सालों के बारे में हर्ष को कुछ भी याद दिलाने की कोशिश की तो उसके साथ कुछ भी हो सकता है। अब आया है सही वक्त जानकी को इस घर से दफा करने का। समधी जी, जरा बात करनी थी आपसे। हम आपकी चिंता को समझ सकते हैं, आपकी भावनाओं की कदर करते हैं, लेकिन लेकिन इतने सालों बाद भगवान ने हमारी सुन ली। हमारा हर्ष ठीक हुआ है, लेकिन आपने सुना ना डॉक्टर ने क्या कहा, इसलिए आप ना उससे आप ही मत मिलिए। अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो हमारा मतलब है, अगर आप उसके सामने जाएंगे तो वो पूछेगा ही ना कि कौन है, तो अभी हम बता नहीं पाएंगे कि आप उसके ससुर हैं। हालत नाजुक है ना उसकी, आप समझ रहे ना? हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं, आप उसके सामने मत चाहिए। एक बार मिल लेते हैं। सब दीजिए, आप समझने की कोशिश कीजिए, हमारे बेटे की खातिर प्लीज। थैंक यू। हर्ष, हर्ष बेटा कैसा लग रहा है तुमको? मम्मा मुझे समझ नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है, बेहोश कैसे हो गया? डॉक्टर ने कहा कि मैं बेहोश हो गया क्योंकि मेरा बीपी लो हो गया था, मुझे आज तक तो कभी ऐसा हुआ नहीं, क्या हो रहा है?